हाय, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की हिंदी रेसिपीज में। आज की वीडियो में हम देखेंगे रवा इडली थोड़े से अलग स्टाइल में। ये भी बहुत टेस्टी बनती है और साथ ही में ये हेल्दी भी है। आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, आप इसे बनाकर टिफिन में भी दे सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई या पैन में डालें थोड़ा सा तेल, 3 से 4 टीस्पून। तेल गर्म हो जाने पर डालें 1/2 टीस्पून राई, फिर डालें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ या फिर कद्दूकस किया हुआ अदरक। इन सबको अच्छे से फ्राई कर ले जब तक कि जो अदरक है इसकी कच्ची स्मेल ना चली जाए। उसके बाद डालें लगभग 2 चुटकी हींग, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी कम। इन सबको अच्छे से मिला लें। उसके बाद डालें 1 कप सूजी या रवा। मैं बारीक वाला यूज कर रही हूँ, आप मोटा वाला भी यूज कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाया, फिर जब तक जो सूजी या रवा है इसकी अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसके बाद आप इसे बर्तन में ना रहने दें, तुरंत एक बोल में या दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करें और ठंडा होने के लिए रख दें। मिक्सी के बर्तन में डालें 2 से 3 हरी मिर्चें या फिर अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 2 कप कटा हुआ पालक, पालक को पहले अच्छे से धो लें और उसके बाद कट करें और लगभग 2 कप आप ले लें। मिर्च और पालक का एक अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लें। सूजी का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसमें डालते हैं बाकी की चीजें। 1/4 कप दही डालें, दही आप घर का बना हुआ भी यूज कर सकते हैं, प्लेन दही है बिना चीनी बिना नमक। इसमें डालें पालक की प्यूरे, पालक की प्यूरे बनाते समय आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। नॉर्मल सादा पानी डालने से पहले आप पालक और रवा अच्छे से मिला लें और उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डालें। हमें बैटर चाहिए मीडियम, मतलब न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छे से मिक्स करके इस बैटर को बना लें। फिर डालें टेस्ट के हिसाब से नमक और अच्छे से मिक्स कर लें। इस बैटर को आप रेस्ट करने या आराम करने के लिए रख दें 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो सूजी है अच्छे से मॉइस्चर यानी जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि इडली के मोल्ड को अच्छे से आप तेल लगा के ग्रीस कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको लगता है ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। इडली स्टीम करने के जस्ट पहले डालें इनो, 1/2 टीस्पून इनो डालें और 10 से 15 सेकेंड एक ही डायरेक्शन में घुमाएं। आप प्लेन वाला इनो जो कि ब्लू पैकेट में आता है या फिर जो ग्रीन पैकेट में आता है लेमन वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मिक्स करने के बाद इसे फिर से मिक्स ना करें, थोड़ा थोड़ा आप इडली के मोल्ड में इस तरह से भर लें। आपके पास जिस प्रकार का इडली स्टीमर है आप वो यूज कर सकते हैं। अब इन इडली की प्लेट्स को स्टीमर में रख दें, ढक्कन लगाकर इडली को स्टीम करें आप मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक। उसके बाद गैस बंद कर दें और ढक्कन हटा दें। प्लेट्स को एकदम आराम से निकालें क्योंकि ये प्लेट्स गर्म होंगी, भाप भी आ रही होगी। इडली को आसानी से निकालने के लिए आप अपनी उंगलियों को पानी में डुबोएं और हल्के हाथ से जो साइड्स हैं इन्हें लूज कर दें इस तरह से। इसके बाद आप इडली को एक चम्मच से निकाल सकते हैं या फिर अपनी उंगलियों से ही निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल आएंगी। ये देखिए काफी अच्छी जालीदार ये लग रही है। बस इसी तरह से बाकी की इडलियों को भी निकाल लें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत गर्म है इडली तो बस साइज लूज करें और बाकी की इडली आप चम्मच से निकाल लें। एकदम सॉफ्ट स्पंजी इडलियां बन गई हैं और इनका टेस्ट अच्छा है और साथ में पालक है, तो पालक की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं। इस इडली को आप ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें मिर्च भी है, बाकी चीज़ें भी है, या फिर आप चाहें तो इसे चटनी के साथ परोस सकते हैं। इन हल्की फुल्की इडलियों को आप गर्मा गर्म बनाकर तो खा ही सकते हैं, साथ ही में आप इन्हें टिफिन में भी दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।